आप देख रहे हैं पाकिस्तान 786। मैं और आजम सवाती साहब शलवार पहन ले या भी नीचे रखनी है, क्योंकि वो ऊपर उठा उठा के फिल्में बनाते थे, मुझे भी नहीं पता था मेरे पीछे या आगे कोई ऐसी खास चीज लगी हुई है जिसमें से कुछ निकाल रहा है, कुछ छिपा रहा है, हिंदुस्तान के खिलाफ हमने इस्तेमाल करना है उसे। कैसे तो मुझे नहीं पता था किसी ऐसे स्पेयर पार्ट का जो मेरे पास था, जिसको इतनी बारीक बीनी से देख के फिल्माया गया। तो अगर अभी ख्वाहिश बाकी है तो अभी काफी सारी क्यादत बाकी है। इमरान इस्माइल साहब बैठे हुए हैं तो अभी काफी क्यादत बाकी है, आपने शौक फरमाना है अगर आपने बताना है। मुझे भट्टी साहब कह रहे थे, शौकत भट्टी साहब चंद दिन पहले, कि अगर आपका एग्रीमेंट एस्टेब्लिशमेंट से खत्म हो गया है तो आप बोले, आप बोलते क्यों नहीं है। तो मैंने भट्टी साहब को कहा कि अभी मेरे बोलने के दिन नहीं है, वजन बहुत ज्यादा आएगा, मेरे मेरे पास बहुत सारा मसाला है बताने को। मैंने 16 दिन गुजारे हैं, उन 16 दिन में हमारे नए आने वाले चीफ साहब के बारे में भी मुझसे बड़े सवाल हुए, आसिम मनीर साहब के बारे में भी। सो वक्त आ लेने दें, वक्त भी यहाँ है, बस एक मेरा अरशद यहाँ नहीं है, बाकी तो सब कुछ यहाँ है। वक्त भी यहाँ है, हम भी यहाँ है, आप भी यहाँ है। चट्टान के वैसे भी रिवाज है कि नस्ला कुलों में बदला लेता, इसलिए सब कुछ इतना ही है। सो इसलिए बात करूंगा। अभी मुझे यहाँ पर बात की गई जनरल फैसल साहब पे, मैं नहीं मानता कि उनका इतना कसूर है। वो तो किसी से मिलेंगे, वो भी डायरी में लिखेंगे कि मैं फलां पॉलिटिकल आदमी से मिला हूँ। ये कैसे मुमकिन है कि बाजवा साहब के अहकाम के बगैर वो मुझे और आजम सवाती को नंगा करें? ये कैसे मुमकिन है कि उनके अहकाम के बगैर एक मेज जनरल रैंक का बंदा कुछ करे? इसलिए अभी क्योंकि आपके जिस्म पे वो वर्दी है जिसका हम बड़ा एहतराम करते हैं, मैं भी मंदा के तौर पर नहीं है क्योंकि मैं गुर्दे बड़ा हूँ, मैं मुनाफत नहीं करांगा, लेकिन असल गल है कि तुहाडे जिस्म पे वो वर्दी है जिसका एहतराम करते हैं। सो ये लम्हा गुजर लेने दे, ये लम्हा आप जी लें, हम इस लम्हे में अपनी ख्वाहिशें दबा लेते हैं, लेकिन लम्हे आने हैं उसमें हम भी बात करेंगे। अपनी फौज के बारे में बात नहीं करेंगे कभी भी, ना पहले किया गया बार बार, ना अपनी फौज पे पहले बात की थी, ना आज बात की है, ना मेरे अरशद ने बात की थी, ना हमने की थी। पर्सनैलिटीज पे बात की, जिन्होंने गलत काम किया उन पे आइंदा भी बात होगी। आखिर में क्योंकि वक्त कम है, मैं सिर्फ आखिरी बात आपको बताना चाहता हूँ। अरशद मेरा दोस्त, मेरा भाई, मरने से 3 दिन पहले मेरी उससे, शहीद होने से 3 दिन पहले उससे मेरी बड़ी लंबी बात हुई। उस बात में वो इंतजार कर रहे थे, उन्हें बड़ी उम्मीद थी जनरल आसिम मुनीर से। मुझे उन्होंने खुद बताया कि चांसेस हैं या जनरल आसिम मुनीर आएंगे या जनरल साहिर आएंगे, ये दोनों आए ये हमें इंसाफ देंगे, ये दोनों आए पाकिस्तान में सुकून होगा, ये दोनों आए पाकिस्तान में लॉ और सियासत और